दिसमिल्ल रन रही नाव डेट वी हैव कम्पेयर्ड इफ़ेक्टिवनीस ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी टू बी स्पेसिफिक वी हैव एनाल इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी इन थ्री टाइप्स ऑफ मॉडल्स दैट इज़ ट्रेडिशनल मॉडल न्यू क्लासिकल मॉडल एंड न्यू कैंजियन मॉडल तो अब हम उसकी बेस पर यह देखना चाहेंगे कि पॉलिसी मेकर अपनी कोई पॉलिसी एडॉप्ट करना चाहता है तो तीनों किस्म के मॉडल्स उसको क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या उसे अपनी पॉलिसी उस वे में अडॉप्ट करनी चाहिए जिस तरीके से मॉनिटरी पॉलिसी मेकर जो है वो ख्याल कर रहा है कि इस तरीके से पॉलिसी इफेक्टिव हो जाएगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कि हम कौन सी पॉलिसी देखना चाह रहे हैं हम दो तरह की पॉलिसीज को एनालाइज करेंगे देखें इससे पिछले लेक्चर में हमने इनिशियली एक फ्रेमवर्क के अंदर इफेक्टिवनेस चेक की अब हम प्रैक्टिकल पॉलिसी की बात करने लगे हैं तो पॉलिसी में हम दो तरह की पॉलिसीज को एनालाइज करेंगे एक है स्टेबलाइज़ेशन पॉलिसी और एक है एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसी तो इस लेक्चर में हमारा फोकस जो है वो स्टेबलाइज़ेशन पॉलिसी में है स्टेबलाइजेशन पॉलिसी को फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिफाइन इसका मतलब क्या होता है देखें आउटपुट जो है वो जो जब इकोनॉमी को शॉक्स हिट करते हैं मसलन ऑयल प्राइस बढ़ गई मसलन जो है वो बारिशें ज़्यादा हो गई उसकी वजह से क्रॉप बेहतर हो गई या हार्वेस्टिंग सीजन में बारिशें ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से फसल ख़राब हो गई या कोई आपकी रेमिटेंस ज़्यादा हो गई तो डि डिफरेंट टाइप्स के शॉक्स होते हैं जो इकानीज़ को हिट करते हैं तो उसके नतीजे में आउटपुट यानी कि जी डी की फ्लक्चुएट करती रहती है कभी कम होती है कभी ज़्यादा उसका ग्रोथ रेट कम या ज़्यादा होता रहता है तो कभी वो नॉर्मल लेवल से इंक्रीज करती है कभी ज्यादा रेट से इंक्रीज कर रही होती है कभी कम रेट से इंक्रीज कर रही होती है तो स्टेबिलाईजेशन का मतलब यह है कि आउटपुट के अंदर जो फ्लक्चुएशन आ रही है ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक्स आर हिटिंग द इकॉनमी देन इन दैट केस स्टेबिलाइजेशन पॉलिसी मीन अ पॉलिसी इंटेंडेड टू रिड्यूस आउटपुट फ्लक्चुएशन यानी कि बेशक शॉक्स की वजह से आउटपुट में टेंडेंसी हो कि वो फ्लक्चुएट करे लेकिन पॉलिसी उसको आगे से ऐसे हैंडल करे उस शॉक को ऐसे काउंटर करे कि आउटपुट एक्चुअली बहुत ज्यादा वोलेटाइल ना हो ये हमारी कहलाती है स्टेबलाइजेशन पॉलिसी और इसमें आपको एक लेक्चर में मैंने पहले भी बताया था कि इकोनॉमिस्ट की दो टाइप्स हैं या दो ग्रुप्स हैं जिनमें से एक एक्टिविस्ट है और एक नॉन एक्टिविस्ट है एक्टिविस्ट के मुताबिक पॉलिसी को एक्टिवली पॉलिसी मेकर को एक्टिवली आउटपुट को स्टेबलाइज करना चाहिए और नॉन एक्टिविस्ट के मुताबिक उसको स्टेबलाइज नहीं करना चाहिए क्योंकि स्टेबलाइजेशन के नतीजे में जब पॉलिसी इंटरवीन करती है तो स्टेबलाइजेशन पॉलिसी के नतीजे में आउटपुट एक्चुअली ज्यादा वोलेटाइल हो जाती है यह नॉन एक्टिविस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है अब हम देखते हैं तीनों मॉडल्स को फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला मॉडल था ट्रेडिशनल मॉडल जिसके अंदर हमने देखा था कि जब भी एक्सपेंशनरी पॉलिसी हो तो आउटपुट बढ़ जाएगी इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी हो तो आउटपुट कम हो जाएगी इस अब हमने करना है स्टेबलाइज़, स्टेबलाइजेशन का मतलब यह है कि अगर कोई शॉक अदर देन मॉनेटरी पॉलिसी हमारी इकोनॉमी को हिट करता है अगर वो एक्सपेंशनरी है आउटपुट बढ़ रही है तो मॉनेटरी पॉलिसी हम कॉन्ट्रैक्शनरी बनाएंगे और अगर जो शॉक आया है वो कॉन्ट्रैक्शनरी है तो मॉनेटरी पॉलिसी हम एक्सपेंशनरी बनाएंगे ताकि आउटपुट अपने नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से कंसिस्टेंट रहे उससे ज्यादा डेविएट ना करे तो चूंकि हमने इसमें देखा था कि लोगों की एक्सपेक्टेशन रिवाइज तो नहीं होती क्विकली और लोग बैकवर्ड लुकिंग होते हैं तो चूंकि हमारे मॉडल के हिसाब से टेक्निकली सोचा जाए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एकदम से चेंज नहीं होता जब भी कोई इकॉनॉमी स्पेशली डिमांड शाह इकॉनॉमी को हिट करता है तो इसका मतलब है ट्रेडिशनल मॉडल में पॉलिसी फुली इफेक्टिव होगी इसका मतलब है पॉलिसी मेकर अगर चाहे तो जिस किस्म के शॉक इकानोमी को हिट करते हैं एक्सपेंशनरी शॉक्स या कॉन्ट्रेक्शनरी शॉक एक्सपेंशनरी से मुराद जो हमारी आउटपुट को बढ़ा दें और कॉन्ट्रेक्शनरी से मुराद जो हमारी आउटपुट को जीडीपी को कम कर दें तो किसी किस्म का भी शॉक हो उसका रिस्पॉन्ड कर सकता है पॉलिसी मेकर क्योंकि उसकी पॉलिसी इफेक्टिव है और उसकी रीजन वही है कि लोग एकदम से अपनी एक्सपेक्टेशन एडजस्ट नहीं करते उसके मुकाबले में न्यू क्लासिकल मॉडल का अगर व्यू पॉइंट हम देखना चाहें कि क्या पॉलिसी मेकर को एक्टिवली स्टेबलाइज करना चाहिए आउटपुट को तो हमें वहां जाकर पता चलता है कि वहां न्यू क्लासिकल मॉडल में चूंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन क्विकली रिवाइज हो जाती हैं तो न्यू क्लासिकल मॉडल डिफ्रेंशिएट करता है अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन में और एंटीसीपेटेड इन्फ्लेशन में या अनएंटिसिपेटेड शॉक में और एंटीसीपेटेड शॉक इसका मतलब यह है कि अगर तो पॉलिसी एक ऐसा शॉक आया जिसके अगेंस्ट पॉलिसी चेंज होती है तो अगर वो अनएंटिसिपेटेड चेंज है तो फिर तो पॉलिसी के इफेक्ट्स आएंगे इसका मतलब ये है कि पॉलिसी शॉक को काउंटर कर पाएगी और अगर वो एंटिसिपेटेड हो गया पॉलिसी का चेंज तो जैसे ही पॉलिसी चेंज होगी लोग अपनी एक्सपेक्टेशन भी रिवाइज कर लेंगे और लोगों की एक्सपेक्टेशन रिवाइज करने की वजह से वेजेस और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाएगा जिसके नतीजे में डिमांड शॉक के मुकाबले में सप्लाई साइड पे ऐसी चेंजेस आएंगी कि रिजल्टेंटली पॉलिसी इन इफेक्टिव हो जाएगी तो इसका मतलब यह है कि पॉलिसी एंटीसिपेटेड है तो उस केस में इफेक्ट्स नहीं होंगे स्टेबलाइजेशन नहीं हो पाएगी पॉलिसी मेकर की तरफ से और अगर पॉलिसी अन एंटीसिपेटेड हो तो उस केस में पॉलिसी के इफेक्ट्स हो सकते हैं यहां न्यू क्लासिकल्स एक और पॉइंट भी रेज करते हैं कि समटाइम्स इवन अनएंटिसिपेटेड के केस में जहां पॉलिसी इफेक्टिव हो सकती है वहां भी एक प्रॉब्लम आ सकता है और वो प्रॉब्लम ये हो सकता है कि लोगों के जेन में है कि पॉलिसी वालों ने पॉलिसी मेकर ने अपनी पॉलिसी अनाउंस तो नहीं की लेकिन वो अपनी पॉलिसी को कॉन्ट्रैक्शनरी कर सकता है और फॉर एग्जाम्पल टू बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर सकता है हो सकता है मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली 100 बेसिस पॉइंट से पॉलिसी रेट इंक्रीज करना चाह रही हो तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा प्रॉब्लम ये होगा कि लोगों ने ओवर प्रिडिक्ट कर लिया पॉलिसी चेंज को क्योंकि अनएंटिसिपेटेड था ना पता नहीं था कितना चेंज होगा तो लोगों ने ओवर प्रिडिक्ट कर लिया अब अगर एक्चुअली मॉनिट्री पॉलिसी वाकई हंड्रेड बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो आउटपुट एक्चुअली पहले के मुकाबले में कम हो जाएगी उस लेवल से भी कम हो जाएगी जिस लेवल पे पॉलिसी मेकर रखना चाह रहा है इसका मतलब है कि स्टेबलाइजेशन पॉलिसी के नतीजे में एक ऐसी अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है जिससे आउटपुट की फ्लक्चुएशन कम नहीं होती आउटपुट की फ्लक्चुएशन बढ़ जाती है यही वजह है कि न्यू क्लासिकल्स नॉन एक्टिविस्ट हैं वो ये नहीं कहते कि जब भी शॉक इकोनॉमी को हिट करे तो मॉनिटरी पॉलिसी को अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना चाहिए लास्ट हमारा मॉडल था न्यू कैंसियन मॉडल और न्यू केंजियन का हमें मॉडल का सेटअप पता है कि यहां लोगों की एक्सपेक्टेशन तो रिवाइज हो जाती हैं लेकिन वेजेस क्विकली एडजस्ट नहीं हो पाती जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्विकली एडजस्ट नहीं होता नतीजा ये होता है कि पॉलिसी अनएंटिसिपेटेड हो तो इफेक्ट ज्यादा आते हैं लेकिन अगर एंटीसिपेटेड हो तो भी इफेक्टिव तो होती है लेकिन उसके मुकाबले में कम होती है जितनी के ट्रेडिशनल मॉडल में है या अन मॉडल की जो इफेक्टिवनेस है न्यू क्लासिकल मॉडल में उसके मुकाबले में इफेक्टिवनेस कम होती है तो इसका मतलब है कि यहां इस मॉडल में भी पॉलिसी मेकर की तरफ से स्टेबलाइजेशन पॉलिसी का रोल मौजूद है लेकिन इसमें पॉलिसी मेकर यहां पे अनसर्टेन रहता है कि मैं जो पॉलिसी चेंज करने लगा हूं पब्लिक को उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं या पब्लिक को उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं है तो पॉलिसी मेकर इज नॉट श्योर अबाउट वेदर द पॉलिसी इज अनएंटिसिपेटेड और एंटीसिपेटेड तो इसका मतलब है पॉलिसी के इफेक्ट्स तो होंगे और पॉलिसी की इंटरवेंशन यहां पे शॉक्स के अगेंस्ट डिजायरेबल भी है लेकिन याद रखें कि इसके इफेक्ट्स उतने ज्यादा नहीं होंगे जितने ट्रेडिशनल मॉडल में होंगे थैंक यू